अब ये चीजें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करी थी, ठीक है ना, कि कोई चीज क्यों ऐड हुई है, क्यों लेस हुई है। तो जस्ट रीड वंस, इंटरिम डिविडेंड क्यों ऐड हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है कि पे तो हो गया, कैश तो कम हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। मीनिंग आपको बता चुका हूँ, डिक्लेयर्ड एंड पेड इन द सेम ईयर, इट इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एनुअल डिविडेंड अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स, इसमें जरूरत नहीं होती। इंटरिम डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स, ऑल्सो इट इज नॉट पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, सिर्फ इक्विटी पे होता है, प्रेफरेंस का रेट फिक्स होता है। ठीक है जी, डिविडेंड दो टाइप का है, इंटरिम और फाइनल। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स कहानियां, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड, द अमाउंट ऑफ प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड एज हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट विद इन 5 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। जो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया उसके बाद तो उसकी पेमेंट हो जाएगी। पॉइंट जो, ये तो ठीक है, जस्ट रीड वंस, ऑलरेडी मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। काम की बातें, ऐड हो रहा है इंटरिम डिविडेंड, क्यों हो रहा है ऐड इंटरिम डिविडेंड, व्हाई इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, बिकॉज इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फिर सर इसको ऑपरेटिंग में क्यों दिखा रहे हैं, ऑपरेटिंग में दिखा नहीं रहे, रिवर्स कर रहे हैं, हम ऑपरेटिंग में दिखा नहीं रहे तो दिखा तो रहे, ऐड कर रहे ना इंटरिम डिविडेंड, आप अपने ओवरऑल और प्रॉफिट में एड बैक कर रहे हैं, उसको रिवर्स कर रहे हैं क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है। समझ आई बात, क्यों एड बैक कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्सपेंस है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऐड कर देंगे इंटरिम डिविडेंड। समझा चुका हूँ, बहुत बारी आगे चल सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर कहाँ जाएगा वो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एज एन आउटफ्लो शो होगा, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे बाद में, अभी ऑपरेटिंग से मतलब है, एड बैक कर दिया। प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड, अब आपको ये कहानी सुनाई थी कि प्रपोज्ड और फाइनल डिविडेंड आपको दो फिगर गिवन होंगे, क्या गिवन होंगे, दो फिगर। प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज एडेड, और प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर तो मतलब उसमें फाइनल, उसमें भी आ जाएगा, एड यहाँ पे हो जाएगा ऑपरेटिंग में। पेमेंट किसकी हो रही है, प्रीवियस ईयर की तो होगी ना, अभी करेंट ईयर की तो इस साल हो नहीं सकती, तो फाइनेंसिंग में माइनस भी वही करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो अफेक्ट इज गिवन टू द प्रपोज डिविडेंड फॉर द करेंट ईयर बिकॉज इट इज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी। मैं कह रहा हूं, मैं आपको ये बता चुका हूं ऑलरेडी लास्ट क्लास में कि प्रपोज डिविडेंड के दो वैल्यूज होंगे, करेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। करेंट ईयर कंप्लीटली इग्नोर, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है जो इस साल पे होगा, तो ऑपरेटिंग में एडबैक होगा और फाइनेंसिंग में एज एन आउटफ्लो दिखाया जाएगा। क्या मैं कुछ नया बता रहा हूँ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के ट्रीटमेंट में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, एड बैक कर देंगे हम उसको। प्रोविजन फॉर टैक्स की मैं आपको ऑलरेडी ट्रीटमेंट बता चुका हूँ कि प्रोविजन फॉर टैक्स के दो फिगर्स होंगे, करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। करंट ईयर को एड बैक किया जाएगा, प्रीवियस ईयर को माइनस किया जाएगा। अगर एक ही फिगर गिवन है तो वही एड होगा, वही माइनस होगा। अभी हम स्टेप वन पे हैं, तो हमें एड करना होता है क्या, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अगर यहाँ पे बात करें तो टैक्स 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 टैक्स, ठीक है, बता चुके हैं आपको सारी बातें। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो जाएगा और रिफंड ऑफ टैक्स माइनस हो जाएगा, वो तो आपको फॉर्मेट में बताई दिया है, कुछ भी करने की जरूरत। एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, लॉसेस ऐड बैक हो रहे हैं, मतलब जो भी डेबिट थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के वो ऐड बैक हो जाएंगे क्योंकि उसने मेरे प्रॉफिट को तो रिड्यूस करा, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, और एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन्स माइनस हो जाएंगे। ये सब बातें रिपीट हो रही हैं, इसीलिए स्पीड पे हो रही हैं, मतलब ये चीजें यहाँ पे ऑलरेडी सारी डिस्कस हो चुकी हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या सुना, स्टेप वन, स्टेप वन, तो आप ये कॉपी करेंगे, अभी पहले ये कॉपी करेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सारे स्टेप्स के नीटली, और फिर स्टेप वन में बस इतना ही कि इफ ये हेडिंग, फिर इसका फॉर्मूला कि अगर बैलेंस इन स्टेट, अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है तो क्या फॉर्मूला होगा, ये बस हेडिंग और ये, और यहाँ पे हेडिंग और ये, मतलब ये, मतलब ये पूरा, ये एक फॉर्मूला है, और यहाँ पे ऐसे ही ये पूरा एक फॉर्मूला है। समझ आया क्या बनाना है, यू हैव नो आइडिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, और करने का तरीका बस यही है, साथ साथ क्लोज करना, क्योंकि सिर्फ समझ नहीं आना
ये आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि पता क्या होगा, इतने सारे आइटम्स होंगे ना आपके सामने, अरे क्या ऐड करना था, क्या लेस करना था, एक वैल्यू रह गई, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं हो पाएगा, एक वैल्यू भी मिस हो गई तो। और होती है, इनिशियली होती है। सो मैं ये नहीं चाहूंगा कि 20 दिन मेहनत करने के बाद सर हमसे नहीं हो रहा, आपने 20 दिन जीरो कर दिए। और मैं कह रहा 50% लोग नहीं कर पाते, सिर्फ रीजन यही रहता है कि साथ साथ करना था, साथ साथ करना था तो हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, 100 भी तो लाते ना, कितने बच्चे 98 99 लाते हैं, तो हो तो जाएगा ही जाएगा। ये देखना है कि टाइम से होगा या टाइम बर्बाद करके होगा, इवेंचुअली तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन थोड़ी ना। सो टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट।